नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता, और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल, राजधानी सहित प्रदेश का मौसम शुष्क बना हुआ है। वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ जम्मू और उससे लगे पाकिस्तान के आसपास बना हुआ है। हवा का रुख भी उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी बना हुआ है। उधर वातावरण में नमी कम रहने के कारण आसमान साफ है, इस वजह से दिन का तापमान बढ़ा हुआ है। हालांकि उत्तरी हवाओं के कारण रात के समय हल्की ठंडक बरकरार है। मौसम विभाग का कहना है कि 13 अक्टूबर को एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में प्रवेश करने वाला है। इसके प्रभाव से 15 अक्टूबर से मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बादल छा सकते हैं। इससे दिन के तापमान में कुछ गिरावट होगी, जबकि रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी। इस दौरान कहीं कहीं वर्षा भी हो सकती है। भोपाल में अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मैं एसएन साहू, मौसम विज्ञानी। प्रदेश के पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क रहा, और अगले 24 घंटे के दौरान देखा जाए तो प्रदेश का मौसम शुष्क रहने की ही संभावना है। और अगर एक बात करें अगला जो है वीक में, इस वीक में अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो 13 अक्टूबर को हिमालयन रीजन में एक्टिव हो रहा है, जिसका असर प्रदेश में 17 और 18 तारीख में होगा, और उसमें कहीं कहीं पर वर्षा होने की संभावना है। खासतौर से अपना जो ग्वालियर और चंबल और सागर का कुछ हिस्सा है, यहाँ वर्षा हो सकती है। और अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर भोपाल में लगभग अधिकतम की बात करें तो 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहने की संभावना है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।